योगी सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है। इस समिट को सफल बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में रोड शो किया, जिसमें टाटा, बजाज ग्रुप समेत कई बड़े औद्योगिक घराने शामिल हुए। रोड शो में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में व्यापक संभावनाएं हैं, निवेशकों की सुरक्षा के लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है और प्रदेश में निवेशकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं रोड शो में क्या रहा खास। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फरवरी में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। 21-22 फरवरी को लखनऊ में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। समिट में 1,00,000 करोड़ रुपए निवेश का रखा जाएगा लक्ष्य। सीएम योगी ने दिग्गज उद्योगपतियों को दिया निवेश का न्योता। रोड शो में निवेशकों के लिए कई तरह की सब्सिडी का ऐलान। रियायती दरों पर निवेशकों को जमीन, बिजली देगी यूपी सरकार। 22 विभागों को सौंपी गई पूंजी निवेश कराने की जिम्मेदारी। उम्मीद की जा रही है कि मुंबई में होने वाले रोड शो से प्रदेश को भारी निवेश आ सकता है। यही नहीं, फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। अगर प्रधानमंत्री आते हैं और यहाँ पर देश भर के इन्वेस्टर्स इकट्ठे होते हैं तो उत्तर प्रदेश के उद्योगों के विकास का एक रास्ता साफ होगा, जिससे प्रदेश सरकार को पूंजी के साथ साथ युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।